सभी दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माही, सिटी फर्स्ट न्यूज़ आप देख रहे हैं। नारनंद विधानसभा में पहुंच गए हैं, गांव है बास। लगातार यहां सुनैना चौटाला के कार्यक्रम है, पूरे गांव में आज कार्यक्रम चल रहे हैं। बड़ी एक भीड़ है और यहां भी एक कार्यक्रम है। चलिए आप भीड़ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो खड़े हैं। आइए चलते हैं और बात करेंगे यहाँ पर सुनैना चौटाला से, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे ना, देखिए कि महिलाओं ने ना घेर रखा है पूरे का पूरा सुनैना चौटाला को। हाँ, और लगातार जो बड़े बड़े जो कार्यक्रम यहाँ चलते हैं उनमें हमने पहले भी देखा कि महिलाओं की एक बड़ी एक संख्या यहाँ भी वही हाल आप ही देख सकते हैं। महिलाएं हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, ये माता भी बैठी हैं साथ में, सुनैना चौटाला यहाँ बैठी हैं। बात करेंगे कि किस प्रकार यहाँ, क्योंकि नारनंद विधानसभा है। जी मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। कल उकलाना विधानसभा में थे, आज नारनौंद में पहुंच गए हैं, लेकिन महिलाएं बहुत ज़्यादा होती है आपके साथ, ये बड़ी एक खास बात है कि महिलाओं को ज़्यादा आप साथ लेके। देखो, महिला शक्ति की हर दुख और तकलीफ को समझती है, और ये मेरे को समझते हैं, मैं इनको समझती हूँ। हमारे स्वर्गीय सरोज जी होती थी यहाँ से MLA, वो भी हर महिला से मिलती थी, तो आज मैं तो सबको कहने आई हूँ कि आप मेरे लिए सरोज जी हो। और वहीं महिलाएं आज महंगाई से परेशान है, हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं है, मतलब हर चीज़ में महिला पिसती है, तो इसलिए मैं महिलाओं से मिलती हूं और उनसे बातचीत करती हूं, और महिलाओं का पूरा प्यार प्रेम और विश्वास मेरे साथ है। अब हर एक विधानसभा में जब भी आप जाते हैं तो एक नींव तो आपको मिल ही जाती है कि ये चौधरी देवीलाल जी के साथ हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ हैं, अभय सिंह चौटाला जी के साथ हैं, बस उसके ऊपर आपको एक बिल्डिंग खड़ी करने की आपको ज़रूरत है। जी बिल्कुल, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने तो नींव पताल तक डाल के रखी है, जो उनके काम है उनका आज तक किसी विपक्ष के पास कोई जवाब है ही नहीं। उसके बाद जो ओम प्रकाश जी चौटाला ने जितना हरियाणा प्रदेश में काम करवाया, और सबसे बड़ी बात, पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो सरकार के खजाने में पैसा छोड़ के आए थे, भरपूर पैसा था, गांव-गांव में भरपूर ग्रांट देते थे और लोगों से कहते थे कि खजाना लबालब भरा है, आप मांगो। ये जो आज गवर्नमेंट है ये तो सब ठग है, हर जगह ये कहते हैं कि भाई हमारे पास तो पैसा नहीं है, देश को लूट के खा गए, लेकिन आज भी ये कहते हैं पैसा नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश की जनता इनकी मंशा समझ चुकी है, और मुझे सिर्फ हाथ जोड़ने की ज़रूरत है, लोग उसी टाइम समझ जाते हैं कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के परिवार से हैं। हरियाणा में दो बड़ी रैलियां आज हैं, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो भी आए हुए हैं, और इधर जो है जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी आए हुए हैं। क्या मानते हैं कि इनके आने से कुछ वोट बैंक में कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? देखिए, आप जिनको बड़े नेता कहते हो, बड़े नेताओं के दिल बहुत छोटे हैं। आज आप अमित शाह को लगाओ, जो किसान आंदोलन चला, किसानों के लिए कील गड़वा दी, खाइयाँ खुदवा दी, आंसू गैस के गोले छुड़वा दिए, यानी कि इनमें तो दिल है ही नहीं। वहीं अगर बात भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की करो, तो आज ये तो बी टीम बन के काम कर रहे हैं, टिकटें भी बीजेपी को पूछ के देते हैं अपनी पार्टी में। इनकी पार्टी के नेता रो रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो माँ, हमने इतने साल खून पसीना इस पार्टी में बहाया और आज हमें दूध में से मक्खी निकालते वैसे निकाल के फेंक दिया। ये सारा खेल भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, और हरियाणा प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। आप देखो, हरियाणा में कहीं पे भी आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग कम दिखाई देगी, ऐसे ऐसे किले कम दिखाई देंगे जैसे राजस्थान में। हरियाणा प्रदेश का इतिहास है कि हरियाणा प्रदेश ने कभी भी अपने ऊपर तानाशाह पैदा नहीं होने दिया, और एक समय कांग्रेस तानाशाह थी, तब भी शुरुआत चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा से करी और उनका पतन हुआ। आज बीजेपी तानाशाह है, फिर शुरुआत हरियाणा प्रदेश से हो चुकी है और इनका भी पतन निश्चित है। मैं लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जो विश्वास हमारा देवीलाल जी और ओमप्रकाश जी के साथ था वो उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के अब सुनैना के साथ चल रहा है, ये उनका बड़प्पन है। बाकी विश्वास तो देखो जी, मैं सीधी बात कहती हूँ, काम करने पे विश्वास होना चाहिए, अगर मैं काम करूँ तो ही मेरे पे विश्वास बनाए, और मेरे को मौका जरूर दें ताकि मैं इस विश्वास को मजबूती से पा सकूँ। बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, अब एक संदेश क्या? मेरी पूरे हिसार लोकसभा क्षेत्रवासियों से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब लोग चश्मे के सामने वाला बटन दबाना, अपनी बहन अपनी बेटी को मजबूत बनाना। मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी। मेरे सामने तीन कैंडिडेट हैं, तीनों का इतिहास आप जरूर देखना, तीनों ही आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के दोषी हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को छोड़ के उसको धोखा दे के आए हैं। आपसे अनुरोध है, आप चश्मे के सामने वाला बटन दबा देना, फिर हरियाणा प्रदेश को मजबूत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अभय सिंह चौटाला
जैसे नेता को आप मजबूत बनाओ ताकि हरियाणा मजबूत बने। ईवीएम का नहीं बताया आपने, कौन से नंबर पे चश्मे का निशान? पांचवा नंबर है और चश्मे का निशान पांचवें नंबर पे, लोगों को चश्मे का निशान नहीं दिखेगा ईवीएम पे और कोई निशान देखेंगे ही नहीं कोई। नहीं, लोगों ने कह दिया कि हम तो एक नंबर पे लेके चलेंगे जी। पांचवा तो मेरा बटन है लेकिन आएगा एक नंबर पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनैना चौटाला थे और जैसा मैंने बताया कि नारनौंद विधानसभा है, लगातार कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं और महिला देखिए आप ये यहाँ देखिए कि महिलाएं जो है वो किस प्रकार जो एक पूरा अपना एक बातें है वो आराम से कर रही हैं और यही एक खास बात थी कि लोगों ने ये भी कहा कि जो विश्वास हमें जो प्रेम हमें इस परिवार से मिलता है वो किसी अन्य से नहीं मिल पाता। महिलाएँ हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार एक क्या इनका देखिए बड़ी तादाद है महिलाओं की। भाजी एक मिनट थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? रेनू। ये अभी जो जिनसे हम बात कर रहे थे ये कौन है? ये अभी वो जो आई है उनकी माँ बोल रहे हैं। अच्छा जी, जानते हैं कौन है? परिवार को पहचानते हैं इनके परिवार? जी मतलब सरोज मोरू वहीं से उन्हीं के हैं। अच्छा, निशान क्या है इनका? चश्मे का निशान। बस ये ध्यान रख लेना, बाकी तो ये देख लेंगे अपने आप। माता जी कैसे हैं आप? ठीक है जी। सुनैना से आप मिले हो, कैसा लग रहा है? ठीक लग गया। ठीक लगा? हाँ। अच्छा, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है सफल बनावांगे? सफल बनाओगे? सफल बनावांगे। कौन सा निशान, कौन सा है? अभी चश्मे का लग गया आपके भी क्या? हाँ यही लगाए रखना। अच्छा यूँ बताओ, पूरा परिवार है इनका, ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला, सभी वैसा ही विश्वास लगता है? और ठीक है इनको। अच्छा बेटा, क्या क्या है बताए एक बात, कौन सा निशान है इनका? चश्मा। चश्मे का निशान। माला किसने पहना दी आपको? सुनैना चौटाला। सुनैना ने माला पहना दी आपको, कैसा लगा मिलके? अच्छा। अच्छा लगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ। जानते हो इनके बारे में कौन है ये जो आई थी? हाँ। कौन है? सुनैना चौटाला। कैसे जानते हो? अरे बताओ है, पूरे घर में चर्चाएं होती है। अच्छा, और भी माता, माता क्या नाम है आपका? क्या नाम है माता जी? ओम पटेल। ये आई थी ये सुनैना चौटाला, कई सालों से जानते हैं इनको क्या? हाँ, कई साल के हम तो देवीलाल से लग गए थे। देवीलाल से लग गए थे? हाँ, देवीलाल से। देखे देखे ना आप जमा खुदे? हाँ, देवीलाल है। अच्छा, देवीलाल के, देवीलाल जो कभी काम भी अच्छे करे करता और यूँ देवीलाल वर्गा तो काम करते तो जमा बड़ी आयश है, बहुत बढ़िया काम देवीलाल की तो बात चल रहे हैं, बहुत सुथरे काम। क्या क्या कह रहे थे आप? वचन नहीं सीख रहे हो तो अनपढ़ का भी मदद करी है उसने, अनपढ़ की भी करी। हाँ, आप वचन नहीं सीख रहे हो तो पढ़न तो सीख रहे हो, उतनी नौकरी भी दी और सारा मदद करी उसने और बुढ़िया का भी रोजगार यू कर दिया, बुढ़ापा मादर हो जा। जो विश्वास था आपका देवीलाल जी के साथ था वो सुनैना के साथ? किसी के साथ नहीं, जो देवीलाल का विश्वास है ना तो किसी का ऊपर भरोसा नहीं हमने, देवीलाल इस परिवार के ऊपर, इस परिवार पर है। पखंडियागढ़ है फंस गए, देवीलाल तो इन्ना बाश दिया पखंडी तने खड़े हो लिया, मका देवीलाल तो इन्ना बाश दिया ना तो डाट का जो देवी जनता का था देवीलाल नहीं था जी, देवीलाल ही था। देवीलाल था जी, विश्वास पर बनावांगे ये यानी कि सुनैना से उतना विश्वास? हां, इतना विश्वास करांगे बजा के छोड़ांगे हम नहीं बजांगे, ताऊ देवीलाल को प्रोडक्ट करवांगे, देवीलाल डट के रहवांगे और मस्जिद का ताऊ सर कने के बनान दे आए। हां चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा इन माताओं बहनों ने कहा कि जो विश्वास हमारा चौधरी देवीलाल जी के साथ था वही विश्वास सुनैना चौटाला के साथ था। 25 मई जो वोटिंग का दिन है उस दिन देखते हैं कि कितना जो एक इनकी तरफ एक लोगों का हुजूम रहने वाला है, कितना उनका प्रेम रहने वाला है, ये समय बताएगा। 4 जून को जो नतीजे आ रहे हैं उसमें देखते हैं कि जो चश्मा है वो कितनी मजबूती के साथ खड़ा रहता है। मेरा नाम मुकेश माही, सिटी फर्स्ट न्यूज़ आप देख रहे थे, यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह मौजूद हैं। क्या आपकी राय है हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।